जनसंख्या 46 व 47 पशुपालन और कृषि ये मत्स्य पर विचार रखने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कृषि का शानदार बजट, आदरणीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के लिए शानदार सौगातें दी है। किसानों को उठाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसान की खुशहाली के लिए जो बजट पेश किया, उसके लिए मैं उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज देश में क्या हो रहा है, केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन इनकी नीयत शुरू से ही गलत थी। इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लेके आकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, और भूमि अधिग्रहण बिल देश के किसानों पर थोपने का काम करने का केंद्र सरकार ने काम किया, लेकिन हमारी पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया और फिर पूरे देश में आंदोलन हुआ, उसकी वजह से उनको भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ा। किसानों के ऊपर कुठाराघात करते करते इन्होंने 3 काले कानून लेके आए और किसानों को 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपने का काम कर ही दिया था, लेकिन किसानों ने जमकर और डटकर विरोध किया। बहुत सारे किसानों की शहादत और शहीद हुए। उसके बाद में जब इनकी नहीं पार पड़ी तो उनको बिल को वापस करने की इन्होंने बात कही। किसानों की अगर आखी कद से इनकी आय दुगनी करना चाहते हैं, किसानों को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमारी सरकार ने किसानों के 72,000 करोड़ रुपए माफ़ किए थे। आज 2013 से अब तक किसानों के बारे में केंद्र सरकार कोई बात नहीं करती, न उनके कर्ज माफ की बात करती। किसान की जो उनकी समय समय पर उनको बार बार कोई न कोई कानून लेके आते हैं, कभी अधिग्रहण बिल लेके आते हैं, कभी और कुछ लेके आते हैं, किसान डरे हुए हैं और पूंजीपतियों के हाथ में इन किसानों को भी देना चाहते थे, लेकिन किसान, ये देश किसानों का है, इस देश के किसान मजबूत हैं। आज से नहीं, आज़ादी से पहले भी किसानों ने मजबूती से आंदोलन किए और देश के आज़ादी के बाद में भी किसानों ने मजबूती से आंदोलन किया, जिसे चाहे कोई सरकार हो, चाहे अंग्रेज सरकार हो, सब ने घुटने टेकने का काम रखा। आज माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,42,00,000 हेक्टर है, 3,42,00,000 हेक्टर है। राज्य का मुख्य व्यवसाय भी कृषि है, खेती के मुख्य वर्षा निर्भर करती है और वर्षा निर्भर करती है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा करने के वादा करके जनता के बीच में गए थे, लेकिन आज तक इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 10,000 करोड़ रुपए और इस बजट में 13,000 करोड़ रुपए देने की ERCP में घोषणा की है, तो इससे जाहिर होता है कि सरकार जिनकी मंशा है, जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया, किसानों को पानी लेने की बात रखी, आज हमारे इस राज्य में बरसात से खेती होती है, बरसात पर निर्भर है, लेकिन अगर पूर्वी राजस्थान में किसानों के लिए ERCP योजना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पूरा
क्षेत्र हरा भरा होगा। मेरे क्षेत्र में जमारामगढ़ बांध है, वो भी आरसीपी से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें पहले पानी आया करता था, फुल रहता था। इसमें जो एशियाई गेम भी यहाँ पे हुए थे उस समय हमारा क्षेत्र हरा भरा था। इसको आंधी क्षेत्र को गंगानगर के नाम से जाना जाता था, वहाँ पूरी अच्छी फसल होती थी। लेकिन आज पानी के बिगैर किसान सब बेरोजगार हो गए, घर बैठे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सारी बातें बतानी थी, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। मेरे क्षेत्र में चाहे कृषि में हो, चाहे पशुपालन में हो, कृषि मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कुछ दिया है, फिर भी मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं कि मेरे क्षेत्र में गौण मंडी खोली जानी चाहिए, और इसके अलावा यहाँ कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कृषि से जो विद्यालय हैं उस पढ़ने के बाद में जो छात्र हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कृषि महाविद्यालय होना बहुत ही अति आवश्यक है। पशुपालन उपस्वास्थ्य केंद्र और कृषि किसान केंद्र हमारे क्षेत्र में हर पंचायत स्तर पर खोले जाने चाहिए, जिससे किसानों को फायदा होगा, पशुपालकों को फायदा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस बार बजट दिया है उसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो बजट दिया है ये किसानों की आय दूनी करने वाली है, और जो केंद्र सरकार झूठे वादे करी उसने कभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया और किसानों को कभी राहत नहीं दी और किसानों के ऊपर कानून थोपने का काम किया, किसानों के ऊपर भूमि अधिग्रहण बिल का कानून थोपने का काम किया। तो इन कानूनों को छोड़कर अगर वो किसानों की सहायता करेंगे तो आने वाले समय में किसान आगे बढ़ सकेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस सरकार ने सरकारें रही है वो किसानों के हक में काम की है, किसानों के कर्ज माफ़ किए, किसानों के जो भी कानून है वो काले कानून लेके आने का काम नहीं की। मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हक में काम की है, मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हक में काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार किसानों के विरोधी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।